महिला की हुई निर्मम हत्या, बैगन ने किया हत्या का खुलासा, प्रॉपर्टी बनी हत्या की वजह। मृतका रजनी की हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई। आपको बताते चलें कि देर रात बिंदकी तहसील के वीरपुर स्थित गांव के समीप एक कुआं में महिला के दोनों हाथ और सर बरामद हुए। मृतका रजनी को शुक्रवार की सुबह कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कोरसम गांव नहर पटरी पर झाड़ियों के बीच शव मिला। शव को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। घटनास्थल पर मिले बैगन द्वारा महिला की शिनाख्त की गई। बताया जाता है कि ये खास किस्म का बैगन हाथी गांव में पाया जाता है। वहीं इस घटना के अनावरण के लिए फतेहपुर पुलिस अधीक्षक ने जांच करने वाली 4 टीम गठित की, जहां CO सुशील कुमार दुबे ने हाथी गांव से धरपकड़ करके हत्या का खुलासा किया। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर तहसील प्रभारी निर्मित द्विवेदी के साथ। कल दिनांक 10 नवंबर को थाना कल्याणपुर क्षेत्र के कोरसम गांव की सीमा में स्थित नहर की पटरी के किनारे जंगल की झाड़ियों में एक महिला का शव बरामद हुआ। शव से महिला का सर गायब था व उसके हाथ भी गायब थे। घटनास्थल के आसपास बैगन बिखरे पड़े हुए थे। पुलिस ने इस घटना पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए SOG इंटेलिजेंस विंग थाना की पुलिस टीमों ने मिलकर इस पे गहराई से पतारसी सुरागरसी करते हुए 24 घंटे के अंदर उक्त महिला की शिनाख्त करने में कामयाबी प्राप्त की। महिला गांव हाथीपुर थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर की निवासी पाई गई। तदुपरांत इस घटना में शामिल महिला के परिवारीजन 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की। उनकी निशादेही पर महिला का कटा हुआ सर व उसके हाथ थाना बिंदकी क्षेत्र में एक कुएं से बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अन्य जो सामान घटना से संबंधित थे वह पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।